औद्योगिक नगरी प्रेस क्लब के एक पत्रकार आशीष दाबी के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से साजिश रचकर उसे फंसाने का प्रयास किया था और चंद लोगों द्वारा आरोप लगाया गया। कुछ दिनों पूर्व एक युवक जमनालाल चौधरी अपने निजी मसले के चलते घर छोड़कर चला गया था, जिसको लेकर जमनालाल चौधरी के परिजनों ने पत्रकार आशीष दाबी पर उक्त युवक से पैसे मांगकर उसे प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने की बात कही थी, जिसको लेकर कुछ असामाजिक तत्वों और कुछ अन्य अपंजीकृत पत्रकारों ने साथ मिलकर पत्रकार आशीष दाबी के खिलाफ साजिश रची गई थी, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई की गई और उक्त पत्रकार पर लगाए सभी आरोपों को पुलिस द्वारा निराधार बताया गया, जिसके बाद पत्रकार द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप और उसे फंसाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर औद्योगिक नगर प्रेस क्लब के सभी सदस्यों व साथियों के साथ पहुंचकर ज्ञापन दिया। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। वहीं पत्रकार आशीष दाबी द्वारा साजिशकर्ताओं के खिलाफ उनकी छवि खराब करने और मानसिक प्रताड़ना देने को लेकर न्यायालय जाकर मानहानि का दावा करने की बात कही गई। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। पत्रकार संघ पीथमपुर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक पत्रकार साथी के विरुद्ध कुछ पत्रकार ही कथित पत्रकार ही भ्रामक खबरें छापे हैं, उसके संबंध में एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और मैंने आश्वासन दिया है कि बिन सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, इसमें जिस पत्रकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो उसमें पूरी जांच भी आपके पास आ गई है, फिलहाल क्या आपने उस पत्रकार जिसके खिलाफ खबरें छापी गई है उसका कोई मामला वैसे निकल के आया नहीं है? मैंने बता दिया आपसे कि संपूर्ण जांच विधिसम्मत तरीके से कराई जाएगी और जो भी गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।